आपका नाम? नाम डॉक्टर मंजीत कौर माकड़, नेशनल एंड इंटरनेशनली अवार्डेड डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल। मैडम, ये जो आजकल जो महिलाओं के साथ ये चल रहा है और ये महिला दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि महिलाओं को तो हमेशा से सम्मान वाली बात करते हैं, मंचों से भी यही सम्मान कहते हैं, महिला एक मात्र शक्ति है, लेकिन मात्र शक्ति को उस तरीके से शक्ति नहीं माना जा रहा है। देखिए, आज से 500 साल पहले जब गुरु नानक देव जी इस धरती पे आए जी, और उस टाइम जति और सती प्रथा चल रही थी, उस टाइम भी उन्होंने कहा, सो क्यों मंदा आखिए जिस जमे राजान, कि उस औरत को जिसके पेट से बड़े बड़े राजा जन्म लेते हैं, उसको आप क्यों खराब कह रहे हैं जी। क्योंकि उस टाइम जो था आप कलयुग का वो था, और उस टाइम भी उन्होंने नारी शक्ति को पहचानते हुए ये आवाज़ बुलंद की, और हम तो उसके बाद काफ़ी बाद उस युग में आए, और आज जो नारी है, जो शक्ति है, जो आपने देखा कि आज भारत के सिंहासन पर बैठी, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो, सब पर आसीन है, चाहे वो महारानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो एक माँ हो, आंचल में भी अपने समेटे हुए प्यार को, अपनी ममता को जो बिखेर रही है, और उसकी साया में, मैं ये नहीं कहती कि हम हाउसवाइफ को हम शश्वत प्रणाम नहीं करेंगे, क्योंकि उसके संरक्षण में ही, उसकी सेवा में ही ये राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। चाहे मैं पेशे से प्रिंसिपल हूँ, अध्यापक हूँ, आपको मालूम है कि नेशनल लेवल पे जो अवार्ड मिलना, राष्ट्रपति का अवार्ड मिलना, अगर राष्ट्रपति जी ने ये सम्मान दिया है, क्योंकि हम उस पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, एज यू नो नेशन इज बिल्ट इन द क्लासरूम्स, क्योंकि हमारे नेशन के जो निर्माणकर्ता हैं वो आने वाली हमारी भविष्य की पीढ़ी है। लास्ट ईयर में जो 2015 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में यूके की पार्लियामेंट में महात्मा गांधी सम्मान से नवाजा गया, और ये क्रेडिट भी हमारे हिंदुस्तान की नारियों को मैं समर्पित करती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप महिलाओं से क्या अपील करना चाहती हैं? मैं आज महिला दिवस के, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जहाँ आप ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपके लिए, जब इसका पहली बार मनाया गया, तो यह महिलाओं के हक को लेकर ही मनाया गया। मेरी बहनों ने कुछ ये भी कहा, हमें क्यों पड़ती है ज़रूरत बार बार, हमें रामायण पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है बार बार, हमें गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है बार बार, हमें क्यों पड़ती है रोज़ रामायण पढ़ने की ज़रूरत बार बार, क्यों पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है रोज़ कुरान बार बार। इसी तरह अगर हम अपने दिन नहीं मनाएंगे तो हमें कौन याद रखेगा, हमारी पहचान कैसे बनेगी? आज देखिए, हिंदुस्तान के नहीं, विदेशों से भी नारियां यहाँ प्रस्तुत हैं, जिनकी कि चाहे वो एंटरप्रेन्योर लेडी ऑफ द ईयर हो, लास्ट ईयर मुझे एंटरप्रेन्योर लेडी ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला, क्योंकि मेरा आर्ट एंड कल्चर से भी बहुत नज़दीक का नाता रहा है। चित्रांगना सिंह हमारे जो बहुत बड़ी फिल्म स्टार, उन्होंने दिया। कुछ हमारी लेडीज़ आई हैं जिन्होंने, जो राजनीति में हैं, कुछ लेडीज़ आई हैं जो कि बिजनेस लेडीज़ हैं, तो इन्होंने जो फ्लैग ऊँचा किया हिंदुस्तान का, हम शत-शत नमन करते हैं उन लेडीज़ का, माओ का, बहनों का, कि जिन्होंने हमारे देश के गौरव को, अपनी पुरानी परंपराओं का आदर करते हुए देश को बढ़ाया। और आई एम डॉक्टर मंजीत कौर मक्कड़, आई एम अ डॉटर ऑफ अ फ्रीडम फाइटर सरदार रघुबीर सिंह लाम्बा, ही क्विट द आर्मी एंड ही, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के जी के साथ आज़ाद हिंद फौज में वो आ गए, और जो देश की कुर्बानियाँ की, और मुझे झांसी की रानी की धरती पे रहने का मौका मिला क्योंकि वो उसमें थे। तो ये जो हमें अपने साथ, जो भी एक मेरी अपील है अपनी बहनों से, अपनी माओं से, अपनी बेटियों से, कि हम जिस मर्जी बुलंदी पे पहुंच जाएं, पर हम अपने भारत, अपनी परंपराओं, अपनी देशभक्ति, अपनी संस्कृति, अपनी धरती से जुड़े रहें। हम बच्चों को पढ़ाकर देश विदेश में सेवा करने भेज देते हैं,
अगर आपने इंजीनियर पैदा किया, आपने डॉक्टर पैदा किया, आपने नेता पैदा किया, आपने राजा पैदा किया, तो मेरी यह अपील है कि जिस देश ने इसको अन्न दिया, जिस देश ने उसको पानी दिया, जिस देश ने उसको स्कूल दिया, जिस गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया, जब उसकी सेवा का वक्त आया तो हमारे पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं। बीइंग एन अ प्रिंसिपल, मैं क्योंकि समरसता मंच की जो है मिशन एडवाइज़र भी हूँ और वहाँ के उपराष्ट्रपति जो हैं उनकी स्पेशल एडवाइज़र के तौर पे भी काम कर रही हूँ कई देशों के साथ। मैडम वो विदेश में तो जाना इसलिए पड़ता है क्योंकि वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है और यहाँ जो सम्मान मिलना चाहिए जो इंजीनियर या डॉक्टर हैं तो उनको उस नज़रों से नहीं देखा जाता। सर ऐसा है, आप देखिए विदेश में, मैं जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, थाईलैंड, बैंकॉक, मुझे काफ़ी देशों में, हमारी फैमिलीज भी वहाँ पर हैं। कौन कहता है कि आपको सम्मान नहीं मिलता? अगर सम्मान नहीं मिलता तो आज आप यहाँ ना होते। जो हम जाते हैं यहाँ से इंजीनियर, डॉक्टर, आज देखें USA की क्या पोजीशन है। हमारे घर के बच्चे भी गए हुए हैं। आज क्राइसिस आया, उन्होंने सारे देशों के कंट्रीज के बच्चों का उन्होंने निकाल के अपने बच्चों को रख लिया। अभी देखिए रिसेसिव सेक्शन आया था ना, तो आप लौट के अपने घर में ही आया है ना। कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, कोई सबवे में काम कर रहा है, कोई मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहा है। क्या आपने इंजीनियरिंग इसलिए की थी क्या? आप गौरव महसूस करते हो कि मुझे शाम को टिप मिल के भी मैं इतना कमा लेता हूँ कि जो मैं इंजीनियर बन के नहीं कमा सकता। यही सोच है, ये सोच होनी चाहिए। साहेब इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए।